ऑसिलेशंस चैप्टर में जो आपको स्टडी करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीरियोडिक मोशन। मैंने पहले बताया आपको पीरियोडिक मोशन हमें डिस्कस करना है। पीरियोडिक मोशन में क्या चीज़ है वो देखो आप। पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पीरियोडिक मोशन? देखिए, हर वो मोशन जो एक सर्टेन इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। चाहे वो मोशन मून का मोशन हो, मून का मोशन अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन होता है जो 27.3 डेज में वो कंप्लीट करता है, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो भी मोशन आपका क्या है? पीरियोडिक मोशन है। अगर कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, मान लो एक पेंडुलम ही आपने रेडी किया जो हर 2 सेकेंड में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करता हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपका पीरियोडिक मोशन में आएगा। तो हर वो चीज़, हाँ, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, आप मान लो क्लास लेने के लिए आप डेली आप 7 o'clock आप बैठते हो और क्लास लेते हो, ठीक है, 1 घंटे की क्लास आप लेते हो, फिर अगले दिन फिर बैठते हो, फिर 1 घंटे की क्लास आप लेते हो, तो लगातार क्या होता है कि इसका मतलब आफ्टर 24 आवर्स आपने, आपका ये एक सिस्टम चल रहा है 24 आवर्स के बाद आप क्लास ले रहे हो, क्लास के लिए 7 o'clock बैठ रहे हो, तो ये एक पीरियोडिक मोशन का पार्ट होगा। तो जो हर वो मोशन जो टाइम पीरियड के साथ अपने आप को रिपीट करता है वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। सिंपल सी बात है, ये वैसा मोशन जो रिपीट कर रहा है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मान लो स्कूल जा रहे हो, 8:20 आप स्कूल पहुंचते हो, और डेली आप 8:20 अर्ली मॉर्निंग स्कूल पहुंच के आप एंट्री कर रहे हो, तो वो आपका डेली के हिसाब से 24 आवर्स के बाद आप फिर से उसी फंक्शन को आप रिपीट कर रहे हो, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन होगा। एग्जाम्पल देखिए पीरियोडिक मोशन का, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे, तो एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन में ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एक तरफ मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और ये आपका सीजन है, देखो विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, है ना, ये सीजन है। ये सीजन भी तो अपने टाइम के हिसाब से मूव करता है ना, है ना, इसकी भी अपनी टाइमिंग है कि इतने दिन के बाद ये सीजन आएगा। अभी जैसे समर आ रहा है ना, तो समर के बाद फिर क्या होगा, ऑटम आएगा, ऑटम के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा, तो ये भी रिपीट कर रहा है। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओके। तो ये दोनों एग्जांपल आप पीरियोडिक मोशन के लिए लिख सकते हो। इसके बाद देखो आप, ये देखो यहाँ पे कितने तरह के मोशन है। स्ट्रेट पाथ में कोई स्केटर जा रहा है स्केटिंग करता हुआ, तो रेक्टिलिनियर मोशन है। जो वॉच है, वॉल वॉच या रेस्ट वॉच होगी, वो सर्कुलर मोशन में आती है। उसके बाद रोटेशनल मोशन है, फिर पीरियोडिक मोशन है, है ना, क्लियर। तो ये सब टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे मैं दिखाया आपको मैंने। हालांकि जब मोशन की बात कर ले, तो देखिए मोशन ऑफ हैंड क्लॉक्स, कौन कौन से मोशन आते हैं पीरियोडिक मोशन में, उसका यहाँ पे एग्जांपल आप देखो। मोशन ऑफ हैंड क्लॉक्स, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, जो कपड़ा सीने वाला मशीन होता है, बिल्कुल जो ऑटोमेटिक मशीन है जिसको मतलब जो रेडीमेड वो स्विंग करता है, मैनुअल मशीन की बात नहीं कर रहा हूं। हां, क्योंकि मैनुअल मशीन हैंड ऑपरेटिंग होती है, उसकी नीडल एक ही जगह पे स्विंग करती है, राइट। देन द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ विद द टाइम पीरियड ऑफ, जो भी टाइम पीरियड है इसकी, जैसे मैंने बताया 27.3 डेज की है, तो वो टाइम पीरियड होती है, ठीक है। तो ये सब मोशन आपका पीरियोडिक मोशन है। अब मैं एक बार यहाँ पे पीरियोडिक मोशन और उससे रिलेटेड बात मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ। पीरियोडिक मोशन क्या है? मोशन ऑफ दैट रिपीट इटसेल्फ
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। इसके साथ साथ और किस मोशन की बात मैं करूँगा यहाँ पे, तो देखो मैं बात करूँगा यहाँ पे, नीचे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, इसके साथ में पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू से लिखते हैं इसको। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके हिसाब से टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी एक ऑसिलेशंस को या एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, जैसे टाइम पीरियड, जैसे मैं बोलूं कि अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, है ना। तो अभी आपने क्या देखा, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो 27 द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ विद द टाइम पीरियड ऑफ, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है टाइम पीरियड, तो इसका मतलब इसको मून को जो पूरा 27.3 डेज लग रहा है, तो वो इसका टाइम पीरियड हो गया ना। तो उसी तरह से टाइम पीरियड मतलब क्या होता है वो देखो आप, कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। यही तो बात हुई ना, जैसे मैंने आपको स्कूल जाने का एग्जांपल दिया, कोचिंग में क्लास लेने का एग्जांपल दिया, तो वो टाइम इंटरवल जिसको आप रिपीट करते हो अपने आप, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने आप रिपीट किया जाता है, उसको बोला जाता है क्या, टाइम पीरियड, ठीक। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो टाइम के इक्वल मतलब सेकंड बोलते हैं उसको लोग, सिंपल सी बात। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए द नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में जो रिपीटेशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, और इसका यूनिट होता है, इसकी जो ऐसा ही यूनिट होती है ना, वन अपॉन टी मतलब वन अपॉन सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन जैसे पेंडुलम का मोशन होता है, जो अपने मेन एक्सिस के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो एक मीन पोजीशन के अबाउट अगर वो मोशन दिखा रहा है तो उसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को दिखाएगा, उसको आप बोलोगे ऑसिलेटरी मोशन। अब यहां पे देखो, यहां पे नोट में लिख रहा हूं, ये काफी मार्केबल पॉइंट है और इस चीज को समझना भी जरूरी है, कि अगर फ्रीक्वेंसी लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन में है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये जो है वाइब्रेटरी मोशन में, वाइब्रेशन में। सर ये वाइब्रेशन में क्या है, वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो एक एग्जांपल मैं समझना कि गिटार है, गिटार के वायर को अगर आपने छेड़ दिया ज्यादा जोर से, तो वो गिटार की वायर क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट है ना, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी में माना जाएगा, ठीक है। जबकि लो फ्रीक्वेंसी में आप एग्जांपल ले लो, अगर पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जिसको आपने एक एंड पे ले जाके छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, फिर से अप डाउन करना, फिर से दूसरी तरफ, हाँ, तो वो एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो वो इतना फास्ट नहीं करेगा जितना गिटार अपने मीन पोजीशन के अबाउट गिटार की वायर जो है वाइब्रेट करती है। आप गिटार की वायर को देखोगे तो लगेगा कि एक्चुअल में वो वाइब्रेट कर रही है, वो आंखों से काउंट नहीं कर पाओगे आप कि कितनी बार वो वाइब्रेट कर गई एक सेकेंड में, हाँ, लेकिन आप पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को करोगे तो उसकी ऑसिलेशंस को आप काउंट कर पाते हो, ठीक है ना। तो उसकी मतलब वो एक लो फ्रीक्वेंसी का पार्ट हुआ, और गिटार जो है हाई फ्रीक्वेंसी का पार्ट हुआ। इवन आप मान लो आपके घर में आपका टेबल है, उस पर आपने हाथ से जोर से दे मारा और कान लगा के सुन रहे हो, तो वो आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है।
ठीक है, किसी कोई कोई पॉट है, स्टील की पॉट है, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, मान लो जगह है कुछ है, उसमें आप चम्मच से आपने इसमें स्ट्राइक किया तो आपको आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होता है ना। वहां पे आप उसको ये नहीं कहोगे ऑसिलेशन हो रहा है, तो वो एक वाइब्रेशन है, इसको बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशन जहां होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं अगले टॉपिक को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM की बात जो मैं कर रहा था, तो SHM क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो नाम से ही है सिंपल हार्मोनिक, तो सिंपल हार्मोनिक तो होगा ही सिंपल हार्मोनिक, कैसे सिंपल हार्मोनिक है वो देखो आप। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, स्पेसिफिक टाइप का ऑक्सेलरेटरी मोशन अगर कोई हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते, तो स्पेसिफिक टाइप क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो देखने की कोशिश करेंगे। पहली क्वालिटी देखिए आपकी क्या दिख रही है, द पार्टिकल मूव्स इन ए सिंगल डायमेंशन, या तो वो एक्स एक्सिस में जाए या वाई में जाए या जेड में जाए, मतलब एक ही डायमेंशन में जाए। 3D होता है ना, तीन डायमेंशन, तो किसी एक डायमेंशन में वो जाए। दूसरा, द पार्टिकल ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन, जहां की नेट फोर्स जीरो हो जाए। टू एंड फ्रो मोशन मतलब अपने मीन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इधर करता रहे तो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोला जाएगा। जैसे पेंडुलम का हो रहा था, पेंडुलम के एक एंड को लेके आपने यहाँ पे छोड़ा और यहाँ से फिर मान लो लेफ्ट साइड पे ले गया, छोड़ दिया, ये से राइट में आ गया, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, तो दिस वन इज टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑलवेज गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स करने का मतलब जगह, अगर आप इधर लेके जा रहे हो लेफ्ट साइड में तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा किधर की तरफ लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन की तरफ, इस तरफ लाना चाहेगा ये फोर्स, इसको इधर लाना चाहेगा। अगर किसी दूसरे एंड पे चला जाता है तो भी वो उसको उसी मीन पोजीशन पे लेके आना चाहेगा। इसलिए बोला गया है कि द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ऑलवेज गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन एट दैट इंस्टेंट। अब देखो आप फोर्स किधर लगा रहे हो, आपने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई, ओके, मीन पोजिशन के अबाउट डिस्प्लेसमेंट आपकी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी एक तरफ होती है, लेकिन पार्टिकल जाना किधर चाहता है, इधर जाना चाहता है। इसलिए फोर्स, हाँ फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा अभी कैसे इस चीज को हम देखते हैं। तो ये चार पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ये फॉलो नहीं किया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिकली इसका इक्वेशन क्या होता है। देखिए मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो अच्छा फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वर्क पावर एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे तीन फ्रेम ले रहा हूँ, मैं ये तीन डिफरेंट फ्रेम ले गया और इस फ्रेम पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक रख रहा हूँ। देखो ये ब्लॉक रखा, तीनों फ्रेम में जो ब्लॉक रखा हुआ है इसका कुछ मास है और इसको मैं अटैच कर रहा हूँ स्प्रिंग से, ये इसकी मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन है इससे, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन पोजीशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन है सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे। और यहाँ पे मैंने इसको पहले वाले ब्लॉक को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है और इसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने करा दी एक्स डिस्प्लेसमेंट, जबकि दूसरे वाले को मैंने राइट साइड में लिया है मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में और मीन पोजीशन से राइट साइड में। तो
तो लेफ्ट साइड में जो रखा है उसको भी x से डिस्प्लेस किया गया है मीन पोजीशन के, और राइट साइड वाले को भी x से डिस्प्लेस किया गया है। इसको स्प्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, जो पहला इनिशियल जो हमारा ब्लॉक है उसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया, दूसरे ब्लॉक को भी एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। देखो आपको देख के क्या लग रहा है कि जो ब्लॉक पहला वाला ब्लॉक था उसको मैंने इसका मतलब कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया राइट, देख रहा है कंप्रेस किया हुआ है, स्प्रिंग एक दूसरे के काफी क्लोज आई हुई है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट के इसके मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको क्या किया है, कंप्रेस किया है, ठीक है। और वहीं पे आप अगर देख रहे हो दूसरे ब्लॉक को, देखो इसको मैंने क्या किया है, इसको इलोंगेट किया मतलब खींच लिया ऐसा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी एक्स की है हमारे, ठीक। तो देखो स्प्रिंग क्या फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग किस तरह फोर्स लगा रहा है, अगर आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा राइट साइड डायरेक्शन में, राइट साइड फोर्स लगा रहा है, अगर आपने इलोंगेट किया है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, वेरी गुड, ये फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में, एफ दिखा दिया मैंने। पहले केस में जो स्प्रिंग राइट साइड फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, देखो स्प्रिंग फोर्स पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स जो इस केस में ऊपर में लग रहा है वो लग रहा है राइट साइड, ठीक। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, अगर फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, लेफ्ट साइड में, तो मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेफ्ट साइड। नीचे वाले में देखो आप, स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा था, लेफ्ट साइड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट हो गई राइट साइड, राइट साइड। इससे क्या मुझे पता लगा कि मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फोर्स राइट साइड है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटाऊं तो k लिखता हूं, f इक्वल टू माइनस kx, यही तो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला मैंने यहां रखा है, f इक्वल टू माइनस kx। अब क्लियर है ये, तो अगर ये f इक्वल टू माइनस kx है तो आप यहां पे देखो, आप यहां पे k क्या है, k इज फोर्स कांस्टेंट, k को आप बोलते हो फोर्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें आप देखो k जो है k इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एफ बाय एक्स लिखोगे, f का यूनिट क्या होता है न्यूटन, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको किससे लिखोगे मीटर से, तो न्यूटन पर मीटर इसकी SI यूनिट हो गई k की, ठीक। अब मैं f जो आप देख रहे हो, f को मैं क्या कर रहा हूँ, f को मैंने नीचे किया, और f इक्वल टू ma भी होता है ना, F equal to ma होता है, yes or no? Yes sir. तो F equal to ma लिख दिया, और this one is equal to मैं लिख रहा हूँ kx, minus kx, और a जो होता है ना a equal to हो जाएगा यहाँ पे minus k upon m into x, k upon m को हम लोग बोलते हैं omega square, इसकी भी बात मैं करूँगा, बताऊँगा कि ये कैसे है, फिलहाल मैं इसको omega square को मैं यहाँ पे use करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है तो बता देता हूँ, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को हम लोग बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ जी। और a जो है एक्सलेशन है, एक्सलेशन को डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो a को मैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये a को लिखा मैंने एक्सलेशन को अगर इसकी जगह पे वेलोसिटी होती तो मैं dx by dt लिखता, तो a equal to हो गया आपका d square x by dt square, और this one is equal to क्या हो जाएगा आपका minus omega square x, minus omega square x, तो ये देखो आप d square x by dt square equal to हो गया plus में, मतलब इसको left side equation जो बना है इसके left side में लेके आ गए, positive हो गया, and this is called equation of SHM,
दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम का बन जाता है आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला टर्म जो हमारे लिए है यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नाम तो सुना होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम रेफर्स टू इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजिशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हो किसे, कैपिटल ए से। अब मैं इसके डायग्राम को दिखाना चाहूंगा, ये देखो, जैसे मान लो एक वेव चल रही है, इस तरह से एक वेव इस ऐसा चला, तो इसमें देखो ये जो मैक्सिमम, ये जो है ना, ये येलो वाले जो एक्स एक्सिस में है, ये मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको प्लस ए से ऊपर दिखाओगे तो प्लस ए से, और नीचे दिखाओगे तो माइनस ए से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। दूसरा टर्म है आपका टाइम पीरियड। सर एक बार इसका क्या था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। हाँ, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, देखो ना यहाँ पे, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला है, इससे या तो ऊपर या नीचे, जो मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में नहीं जा रहा ना कुछ, ए प्लस ए ऊपर में क्या है, प्लस ए, और नीचे में क्या है, माइनस ए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर। दूसरा टर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा टर्म हमारे पास है टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड के बारे में क्या बता रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम रेफर्स टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ, हाँ, टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो देखो आप, इस ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहां से ये जो चलना शुरू कर रहा है ये पूरा, ठीक है, ये ऐसा चल रहा है और ये पूरा यहां से ऐसे चलता हुआ यहां पे पहुंच रहा है, ठीक है, ये पूरा टाइम यहां से यहां तक टी लग रहा है, एक कंप्लीट साइकिल यहां पे पूरा हो रहा है, ठीक है, कोशिश करेंगे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, अगर ये पार्टिकल उठ के आपका इस जगह पे पहुंच गया तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा, वेरी गुड, तो ये पाई बाय टू मैं लिख दूं इसको, तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा होगा, ये भी यहाँ पे पाई बाय टू बन रहा होगा, ठीक है, और अगर यहां से फिर इस जगह से मैं इस तरफ आ जाऊं तो कितना एंगल बन रहा होगा, पाई लिख सकता हूं, पाई लिख दिया, तो यहां पे मैं पाई लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब आप देखोगे तो आपके ध्यान में यही लग रहा है, अच्छा जी ये भी तो हाफ सर्कल ही है ना, तो 180 डिग्री बना रहा है, तो यहां पे भी तो ये हाफ सर्कल ही था, ये भी तो 180 डिग्री बना रहा था, वेरी गुड, तो ये यहां तक की तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूँ, अभी पाई की बात कर ली, यहां तक इसी पे सारा सिस्टम हमें समझना होगा, तो इसका मतलब ये पाई रहा, ये पाई बाय टू रहा, पाई बाय टू, ये पाई, ये पाई बाय टू, ये पाई, देन इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था, थ्री पाई बाय टू, और यहाँ पे फिर से पाई हो जाना चाहिए, टू पाई, टू पाई मतलब 360 डिग्री, राइट, तो ये वाला पोर्शन भी 3 पाई बाय 2 होगा और यहां पे 2 पाई आ जाएगा। अब देखो टाइम कंप्लीट करने में जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे देखते हैं उसको, वो देखना आप, इस जगह से इस जगह तक पूरा टाइम जो कंप्लीट करता है ये, इस प्रोसेस में जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग यहां से यहां तक का एक कंप्लीट साइकिल को, एक कंप्लीट साइकिल का पूरा हो रहा है देखो आप, तो कंप्लीट साइकिल एक साइकिल का पूरा हो रहा है जब ये पूरा का पूरा जहां से शुरू हुआ उसी जगह पे पहुंच रहा है, तो
तो जब ये पूरा पहुंच जाता है यहाँ पे तो इसको पूरा एक टाइम पीरियड लगता है टी, जैसा कि यहाँ पे हमने डिफिनेशन में देखा है। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टू एग्जीक्यूटिंग SHM रेफर्स टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है टी, तो ये टी मतलब एक साइकिल कंप्लीट किया, तो इसमें यहाँ पे पूरा ये साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, टू पाई पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ से चले तो टू पाई पे कंप्लीट होता है, ये टी है। यहाँ पे भी आपने पूरा कंप्लीट किया तो इसका मतलब जीरो से आप चले और जीरो से टी एक साइकिल कंप्लीट हो गया, राइट ओके। अब जब जीरो से टी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया तो अब देखो इसका मतलब ये टाइम पीरियड कैसे डिवाइड रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी बाय टू का रहा होगा। जब पाई एंगल दिख रहा होगा तो उस समय टाइम पीरियड टी बाय टू का रहा होगा। तो ये देखो जब जिस समय यहाँ पे आप आए होगे तो हाफ टाइम पीरियड रहा होगा टी बाय टू। इसके ठीक पहले यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहा होगा, टी बाय फोर। तो यहां से जीरो से टी बाय टू के बीच में ये टी बाय फोर का रहा होगा टाइम पीरियड, राइट। तो टी बाय फोर का और यहां पे टाइम पीरियड कितने का रहा होगा, देखो इसका मतलब टाइम पीरियड टी बाय फोर से टी बाय फोर से बढ़ रहा है। यहां से जीरो से पाई बाय टू तक टी बाय फोर था, फिर इसमें पाई बाय फोर मतलब टी बाय फोर आप ऐड कर दो, टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर कितना हो गया, टू टी बाय फोर, ऐसे ही होता है ना। तो टू टू या फोर मतलब टी बाय टू हो गया। इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी बाय टू का था, टी बाय फोर का था, फिर यहाँ से यहाँ टी बाय फोर, तो दो टी बाय फोर आपने ऐड किया तो आपका टाइम पीरियड टी बाय टू यहाँ पर पहुँच के हो गया। अब टी बाय टू में फिर से अगर आप पाई बाय फोर मतलब एक बार और टी बाय फोर ऐड करोगे तो टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर तो थ्री टी बाय फोर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह पे टाइम पीरियड आपका रहा होगा थ्री टी बाय फोर का, और यहाँ पे टाइम पीरियड रहा होगा फोर टी बाय फोर का, जिसमें फोर और फोर कैंसिल हो गया तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी दे दिया आपका, क्लियर। तो ये था टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ओमेगा इक्वल टू, अगर आपने पढ़ा होगा ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है टू पाई बाय टी, कैसे होता है ये देख लो। ये इस तरह से हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी है एक तरह से कहा जाए, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहने का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी, यहाँ से अगर ये घूमा, यहाँ से चला और यहाँ से घूम के ऐसा घूम के यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितने का एंगल कवर किया, टू पाई का, टू पाई का, और उसमें यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टी का लगा, जैसा हमने देखा टोटल टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल टाइम लग रहा है, ये टाइम पीरियड इसी को बोल रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी। तो इसी से यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आता है, टी चाहिए चुकी हमें, तो देयरफॉर टी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, राइट, टू पाई बाय ओमेगा। और अभी देखो आपने ओमेगा के लिए यहाँ पे क्या लिखा था, ओमेगा इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ये लिखा था ना आपने। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा इक्वल टू आपके पास आएगा अंडर रूट के बाय एम। अब इसको यहाँ पे प्लेस करना है तो टी इक्वल टू टू पाई, ये हो जाएगा अंडर रूट एम बाई के, देखो यही फॉर्मूला मिलेगा आपको।
टाइम पीरियड का दो फार्मूला आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक ये और दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ये है टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा। तो दो दो फार्मूले टाइम पीरियड के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, ऐसा लिखा रहता है, थोड़ा सा वी को ऐसा ऊपर कर दोगे तो इसको एन यू न्यू। और टाइम पीरियड के लिए जो आपने अब मैंने अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वन अपॉन टी मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। अभी आप ऊपर को और नीचे को कंपेयर करने में बड़ा मजा आएगा, आराम से कर पाएंगे। वो क्या है देखो, यहाँ पे टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा है, तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू आपके पास क्या आपको मिलेगा, न्यू इक्वल टू आप उसको इनवर्स कर दो। अगर मैं यहीं पे फ्रीक्वेंसी की बात करूं, बिल्कुल न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई, बिल्कुल सही बात। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट आपका अगर फिर से दूसरे टर्म में इसमें देखा जाए न्यू इक्वल टू कितना होगा तो क्या बोलोगे, वन अपॉन टू पाई, के बाय मिल गया। ये भी फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, दूसरा फॉर्मूला भी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आपने कर लिया। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि फेज को कैसे समझा जाए। फेज ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट रेफर्स टू स्टेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज मेजर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट एंगल ऑफ साइन इन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और यही इक्वेशन जो एसएचएम के टर्म में रहता है वो बतला देता है कि फेज कैसे समझा जाए। देखो समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो डायग्राम आपने देखा, एक सर्कल मैंने बनाया था, फिर से मैं एक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो अब ये जो सर्कल मैं यहाँ पे बना लिया, इसमें क्या है कि किस समय पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कौन बताएगा भाई पार्टिकल की पोजीशन किस समय क्या है, बड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ को समझना। मान लो कि एक समय में पार्टिकल जो है वो ऐसी जगह पे रही होगी, यहाँ पे रही होगी, एक समय के लिए मान लेता हूँ मैं पार्टिकल इस जगह पे आ गई। मान लो अगर पार्टिकल इस जगह पे आ चुकी है तो हमें एंगल देखना है, समझना है। तो आप देखो मान लो कि इस तरह से मैंने इसको ऐसे बांट दिया, तो आप कहोगे कि डायरेक्शन, चूंकि यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहा है वो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है, पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों चीज बतानी है। अगर बिल्कुल पार्टिकल आपकी यहाँ पे होती तो आप बोलते कि 90 डिग्री पे है, बिल्कुल यहाँ पे होती बोलते 180 डिग्री पे है, डायरेक्शन बोलते हैं तो डायरेक्शन आप कहते हैं कि डायरेक्शन भी तो आप क्लियर हो गया ना सर, कि डायरेक्शन भी तो पता चल ही रहा है, आप थोड़ी पूछना है अब आपको, क्योंकि डायरेक्शन मैं बोलूंगा कहाँ से कहाँ पे है जी, तो डायरेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री पे है तो ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा है आपको, इधर है तो आप कहोगे कि भाई हाँ जी ये देखो पार्टिकल यहाँ पे थी शुरू में इस जगह पे थी, अब पार्टिकल यहाँ पे है तो डायरेक्शन अब इस तरफ जा रही है, इससे पहले डायरेक्शन इस तरफ थी। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन अगर किसी भी अननोन पॉइंट पे डायरेक्शन देखा जाए, यहाँ पे जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ, जहां पे भी आप डायरेक्शन देना चाहते हो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उस जगह का डायरेक्शन बताएगा। अगर पार्टिकल आपकी इस जगह पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो आप इस पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये डायरेक्शन बताएगा। तो पोजीशन कैसे पता करें, तो पोजीशन पता करना है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, ये ओरिजिन है आपकी, इस ओरिजिन से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे जो एंगल बना रहा होगा इसके साथ, चाहे थीटा एंगल बना रहा हो, तो जो भी एंगल ये बना रहा होगा ये इसकी पोजीशन को बताएगा। थीटा मान लो 60 डिग्री हो रही हो तो 60 डिग्री के पोजीशन पे है ये, ठीक है। अगर ये पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, मान लो इस जगह से थोड़ी सी इस जगह पे आ जाए, तो थीटा की बात अगर कोई और भी चेंजेस आ रही है तो थीटा यहाँ पे एंगल में चेंजेस आती है तो उसको हम लोग फाई बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो एंगल बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं फाई।
हाँ तो थीटा और फाई, तो एंगल फेज एंगल में कितने चेंजेस हो गया, तो थीटा प्लस, पहले थीटा पे था अब फाई पे आ गया, तो थीटा और फाई ये दोनों ही इसकी फेज एंगल मानी जाएगी। हालांकि फेज एंगल यहाँ पे नॉर्मली थीटा तो बेसिक एंगल है जो पहले पोजीशन थी, इसके बाद जो चेंजेस आई है, तो फाई को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है, फेज क्या होता है, फेज होता है ओमेगा टी प्लस फाई, ये दोनों मिलके बनता है फेज। अब ओमेगा टी जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये जो बन रहा था ये क्या था, यहाँ पे ये फेज था आपका। आपको अगर यहाँ तो थीटा लिखा है आपने, यहाँ पे आपने ओमेगा लिखा है, मैं कहा बिल्कुल सही बात। तो आपको ये भी तो पता है ओमेगा जो होती है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप बोलो ना यहाँ पे, तो टीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो टीटा इक्वल टू, ये इस जगह पे टीटा की जगह पे मैंने वही काम तो किया है, ओमेगा इंटू टी लिखा है यहाँ पे, टी ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हो गया हमारा फेज। व्हेन टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, तो ये टाइम जीरो हो जाएगा ना, तो फेज अब क्या हो गया, फेज इक्वल टू कितना रह गया, सिर्फ सिर्फ रह गया फाइव, और इस फेज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कब, जब टी इक्वल टू आपको जीरो मिलता है और फेज कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। हाँ जी, ए इक्वल टू -16 ऐसे है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास जो दिया हुआ है ए इक्वल टू -16x। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऊपर में जो फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूले पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं ए इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला था ऊपर में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, याद है, अगर याद है तो ठीक अच्छी बात है। इसका मतलब कि ये ओमेगा किसके, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्योंकि एक्स ऊपर भी है, एक्स यहाँ, ये देखो ना उस कंपेयर कर लो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो आप, ये एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, ए ऊपर भी है ए नीचे भी है लेफ्ट साइड में, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओमेगा किसके इक्वल हो गया, प्लस प्लस माइनस फोर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 16 करोगे ना, तो प्लस माइनस फोर के इक्वल हो गया। ओमेगा इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू होता था हमारे पास 2π/T, हमें क्या मांग रहा है, टाइम पीरियड मांग रहा है, तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2π/ओमेगा होगा, तो टी इक्वल टू 2π, और ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है, 4 ले लो यहां से, ओमेगा इक्वल टू आप प्लस 4 लेना, तो 4 ले लिया, 2 2 जा 4, मतलब टाइम पीरियड कितने पे रहा होगा, 5/2 के पोजीशन पे रहा होगा, है ना, 5/2 क्या होगा, सेकेंड होगा। तो अब आपको वेव में ग्राफ के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने आपको बताया था क्या, ऐसा चल रहा है, ऐसा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये पूरा पाई हो रहा था, तो ये कितना रहा होगा, पाई बाय टू यहाँ पे रहा होगा, ये रहा होगा पाई बाय टू का पोजिशन, तो बिल्कुल सही बात, पाई बाय टू का पोजिशन यही रहा। तो अब दिमाग में आपकी इमेज बनती रहनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ माइंड में हमेशा क्रिएशन ग्राफ की होती रहनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सलेशन ए एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अभी अभी मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बात की थी मैंने इसकी, तो एक्स पे कोई पावर तो है नहीं इसमें, यहां पे पावर है, इसको हटा दो, इसको हटा दो,
ये दो इक्वेशन एसएचएम का तो हो नहीं सकता। पॉइंट्स, अब दो ऑप्शन बच गए, ये और ये। लेकिन इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें माइनस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है 0.7x, माइनस तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस दिया हुआ है। इससे साफ पता चलता है a इक्वल टू माइनस 10x, ये इक्वेशन होगा हमारा। और यही इक्वेशन चूंकि इस SHM को फॉलो कर रहा है, जो इक्वेशन ऑफ SHM यही था हमारा, इसको फॉलो कर रहा है, तो C ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, C वाला। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए स्पेसक्राफ्ट, व्हाट शुड बी इट्स टाइम पीरियड। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो सबसे पहले कि, या तो आप जैसे इन्फिनिटी लिख सकते हो, पहला तो इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हो डज नॉट ऑसिलेट। दोनों ही बातें यहाँ पे। तो आज की क्लास में यहाँ पे रहने देता हूँ, ये आज की फर्स्ट क्लास की थी। इस तरह से मैं आपको क्लास वाइज जो है आपको सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूँगा, तो आपको लेकिन रिवीजन जरूर करना है आपको, ये ध्यान में रखना है।